मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। आज की जो रैली हमारी महारैली है, सरकार को हमने पहले चेतावनी दी थी कि सरकार हमारी जायज मांगे रेगुलर पॉलिसी पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेज एक्ट आस पास दिल्ली यूपी, हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। सरकार अगर 350 करोड़ की व्यवस्था करे, हम 30,000 जम्मू का और 10,500 कश्मीर के लोग रेगुलर हो जाते हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद बड़ी है। सरकार बदवा मजदूर बना के रखनी चाहती है। अब बदवा मजदूर नहीं चलेगी, चाहे जो भी हो जाए, हम लोग का पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार आंसू गैस चलाए, लाठी चलाए, गोलियां चलाए, अब हम पॉलिसी लेने निकले और पॉलिसी लेके ही आएंगे, इस तरह वापस नहीं आएंगे। हम लोगों को पता है, जैसे हमारे बहुत से साथी 30 तारीख को बगैर कुछ लिए 60 साल के रिटायर होकर चले गए, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोगों को 60 साल उम्र दी, वो बेचारे रिटायर होकर चले जाएंगे, तो हम लड़के सरकार से टर्मिनेट होना मंजूर है, लेकिन ऐसे हम घर जाने वाले नहीं है। सरकार को पॉलिसी देनी पड़ेगी, और एसेंशियल सर्विस हम हैं और बिजली भी एसेंशियल सर्विस है। बिजली वालों को पॉलिसी दे दी और हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार, हम लोग कोविड हो कोई भी महामारी हो, हम लोग काम करते हैं। और डीसी साहब, हमारा जो कर्फ्यू पास है, बगैर हमारा नाम लिए एकदम बन जाता है कि ये लोग काम करने वाले हैं। तो अब हम ये बदवा मजदूरी, अब ये शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। आज के प्रोडक्ट की चिंगारी दिल्ली तक जाएगी और बगैर पॉलिसी के हम अब वापस होने वाले हैं। डोडा से आया हूँ मैं, हम सुबह आए हैं डोडा से। हम यहाँ से इस माइंड से इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ से मोदी साहब को और अमित शाह साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के अभी भी, कि अभी वक्त है, हमारा मसला हल करो, क्योंकि हम 25-25, 30-30 सताए हुए सरकारों के इस वक्त जो हैं, इस वक्त हमारे पास बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, माँ बाप के लिए हमको दवाई के लिए पैसा नहीं है। हमें इस वक्त जो है, मैंने अपना घास बेच कर यहाँ जम्मू में आया हूँ, घास बेच कर मैं डोडा से बिलोंग करता हूँ, एक पहाड़ी एरिया से घास बेच के मैं यहाँ पर आया हूँ। ये किस लिए आया हूँ? ये उस चीज के लिए आया हूँ जो मोदी जी का नारा था कि हाँ विकास करेंगे। अगर विकास की यही है तो हमको मोदी जी नहीं चाहिए भाई, फिर ये मोदी जी नहीं चाहिए। हमको वो मोदी चाहिए जिसका नारा था लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, और जिसका नारा था कि मैं यहाँ पर एक चिड़िया की, जम्मू कश्मीर को चिड़िया की सरकार बनाऊंगा, एक चिड़िया वाली वो डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा, स्टेट बनाऊंगा। ये है कि 25 साल से हम सड़क पर रो रहे हैं, अफसोस की बात है। अब कैसे हम गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखेंगे, किस हिसाब से रखेंगे? अब हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ना हमारा मसला हल होगा, चाहे कुछ भी करना हो जाए।
जाएंगे।